बड़े खिलाड़ी को बड़े मैच में परफॉर्म करना होता है, हमने आज तक ये सुना है। पाकिस्तान के लिए कोई फाइनल मेरे नजदीक बड़ा नहीं होता, सबसे बड़ा मैच होता है कि इंडिया से आपके अपने मैच। हम इंडिया के बड़े खिलाड़ियों की बात कर लेते हैं। इस स्क्वाड में रोहित शर्मा, पाकिस्तान के खिलाफ 18 मैचेस, 787 रन, 750/200, यानी कि 9 मरतबा उन्होंने पाकिस्तान को बड़ा स्कोर करके दिया। कोहली 15 मैच, 250/200, 183 रन की भी पिटाई की हमारी, ठीक है। आज तीसरा 100 भी हो गया, यानी कि 300 हो गया, यानी कि 5 मरतबा और 183 रन की पिटाई को हम भूल जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दुनिया के सबसे बड़े इस टाइम रैंकिंग के दो बड़े नामों की बात कर रहा हूँ ना। अब हमारा जो इस टाइम रैंकिंग का सबसे बड़ा नाम है बाबर आजम, ये हमारा नहीं दुनिया का आईसीसी रैंकिंग। अब तक 7 मैचेस खेले हैं, पहली बार 8 बनाए, फिर 46 बनाए, फिर 47 बनाए, 9 बनाए, 48 बनाए, आज 10 बनाए, एक भी 50 नहीं। तो मुझे ये बताएं कि आखिर हमारा बड़ा बैट्समैन क्यों इतना प्रेशर में हो जाता है और उनके बड़े बैट्समैन इतने पंजाबी में कहते हैं बोंतर जाते हैं या ऐसे हो जाते हैं कि वो हमारे बड़ा बैट्समैन बड़े मैच में, अगर वो कह रहे हैं बड़ा बैट्समैन अगर बड़े मैच में नाकाम है तो फिर बड़ा बैट्समैन बाबर आजम। देखिए उसकी उनकी स्किल पे कोई हमें देखिए उसका नहीं बोला, हमने उनकी बोला, उनकी देखे उनका एहतराम है और दुनिया भर में हमने उनकी रिस्पेक्ट को डिसरिस्पेक्ट नहीं, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही। हमारे कप्तान है, देखिए हमारे कप्तान है, अगर रवानी में उसका निकल गया मैं माजरत करूंगा। देखिए आपने किसी को कवर करना ना, आप मिस्टेक करेंगे, मैंने माजरत कर दी, हमें मानना चाहिए, हमारे हमें कवर करेंगे एक पैनल पे। बाबर आजम की जहां तक की बात है तो उसमें तो उनकी स्किल्स पे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, वो तो उन्होंने बाहर करके दिखाया हुआ। अभी अगले मैच में आएंगे, 100 करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह करे कि वो 100 करें। अभी तक इंडिया के खिलाफ उनकी वैसी परफॉर्मेंसेस नहीं है, लेकिन जब बार बार खेलेंगे तो परफॉर्मेंस भी आएगी, ऐसा नहीं है, उनको करना चाहिए। देखिए आज अगर नहीं कर पा रहे तो क्या वजह है, आज के मैच में तो देखिए जिस तरह हमने उनकी प्रेस मैच के बाद जो मैं आके बात की तो थोड़ा घबराए हुए थे, घबराए हुए नहीं थे, गड़बड़ाए हुए थे, घबरा नहीं सकते, खिसिया रहे थे, जो उनकी मुस्कुराहट थी वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि एक एक कामरान एक कामरान आसरे वो मुझे याद आ गया क्या गम है जिस जो इतना मुस्कुरा रहे हो। हां वैसा वाला, हां शायद सुन ले जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो मुस्कुरा रहे हो, सुन ले कि वो एक डिसीजन जो हुआ ना उस पर इतनी बातें हुई और हमारी बड़ लगी हुई कि 2 दिन का मैच हो गया। अब जाहिर सी बात है सोशल मीडिया पे भी ट्वीट भी करने होते हैं, सोशल मीडिया के अकाउंट्स भी देख रहे होते हैं और आपको हर रिपोर्ट आ रही होती है जी जी। जिस वक्त हम तो इतने सोशल मीडिया पे भी नहीं थे, इतने ज्यादा मोबाइल भी बाजू का नहीं होते थे, फिर भी हमें रिपोर्टें कहीं ना कहीं से आती थी, शायद भी कह रहे हो यार ये तो एक मोबाइल आप कह रहे हो साथ में ढूंढो जिससे 2 दिन का मैच करवाया। अगर ये कल मैच खत्म हो जाता तो हम बड़े अच्छी शेप में होते। बिल्कुल।